सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। এটা তো সমস্ত ইনভেস্টিগেশনের উপরে চলে যাচ্ছে তো এই ব্যাপারে আমি কি বলবো বলো ওদের কাছে যা চেয়েছে ওগুলো ওনারা পাঠাক পেট ওগুলো পাওয়ার পরে তারপরে দেখা যাবে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় এটাতে তো আমার কোনো রিঅ্যাকশন করার ব্যাপার না আজ বিসিসিআই এর তরফে কি আর সামনে আছে কি আগে এইগুলোকে মানে আনা হয় বা আনানোর চেষ্টা করা হয় দুবাইয়ের হোটেল থেকে আপনি বারবার বলেছেন যে ওখানে সিসিটিভি থাকবে वो हैंडल करता ही नहीं था उसके नाम से जो जो आरोप आपने लगाए हैं जिन लड़कियों के नाम से चैट जो आपने बताई है आरोप में वो सब चैट शमी बन के आपने की है बेसिकली ये कह रहा है कि उसके सोशल अकाउंट्स के पासवर्ड्स आपके पास थे इसलिए हो सकता है कि सारे ट्विटर फेसबुक सबके पास पासवर्ड आपके पास थे। अच्छा एक बात बताइए एक इंसान के पास अगर कोई एविडेंस ना हो कोई प्रूफ ना हो और एक इंसान झूठा और क्रिमिनल मेंटलिटी लेके सामने में बैठा हुआ हो उसे अपनी गलती और अपनी गुनाह के वजह से उसे हालांकि अपने घर और संसार सुधारना चाहिए उसे मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए हमारे बंगाल पुलिस के सामने आप मीडिया जितने पर्सन हैं आप लोगों के सामने माफ़ी मांगना चाहिए ना कि वो अपनी गलतियों और गुनाहों को छुपाने के लिए एक के बाद एक एक के बाद ये एक जो ये झूठा तलवार तान रहा है इससे क्या फायदा होने वाला है इन्वेस्टिगेशन हो रही है आप लोग भी बिल्कुल आंखें खोल के इस चीज के लिए तैयार हैं कि क्या होना है क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में आप लोग भी जुड़े हुए हैं तो ये बात तो सच्चाई तो दुनिया के सामने एक दिन ना एक दिन आने ही है तो फिर ये झूठे ब्लेम देकर क्या फायदा मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी कौन से अकाउंट चलाते हैं क्या सेक्सी अकाउंट क्या शाम तो क्या ये तो क्या वो तो क्या एक बिल्कुल प्रोस्टिट्यूट का लिस्ट है उसके प्रोस्टिट्यूट का लिस्ट है उसमें तो फिर वो दिल्ली जाते के साथ साथ सारे पासवर्ड चेंज कर दिया लेकिन सनी साम का जो फेसबुक के अकाउंट है उसके मैंने पासवर्ड चेंज कर दिए पासवर्ड तो मैंने चेंज कर दिए लेकिन उसमें बहुत सारे वल्गर और गंदे गंदे मैसेजेस थे जो सारे वो प्रोस्टिट्यूट की लिस्ट थी सनी साम जो फेसबुक का था और उसमें एक डीपी लगा हुआ है लेडीज नाइट्स करके तो उसके मैंने पासवर्ड चेंज कर दिए थे तो वो मेरे पास है लेकिन बाकी जितने हैं वो सब उसी के पास है वो पासवर्ड उसने चेंज कर दिया मैं उतने जल्दबाजी में कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो जिस दिन निकला है उसी दिन रात के 11 बजे मैंने पैटर्न खोला है तो इतनी जल्दी मैं कैसे क्या करती सेकेंड थिंग ये है कि एमडी समी का जो जनरल एक फेसबुक है जो आप सब जानते हैं पेज वाला नहीं जो शुरू से जो जब समी को इंडिया टीम में जब चांस भी नहीं मिला था तब से जो एमडी समी का वो फेसबुक का अकाउंट चलाता है उसका पासवर्ड मुझे उस दिन तक पता था जिस दिन तक समी यहाँ से निकला नहीं है उसके बाद से उसका भी पासवर्ड उसने चेंज कर दिया लेकिन मैंने उसके कोई भी फेसबुक बता बोलिए या फिर कोई इंस्टाग्राम का तो कोई हदीस भी नहीं जानती मैं लेकिन हाँ उस दिन उसके फ़ोन में सारे डिटेल्स सारे सब कुछ था तो इंस्टाग्राम मैंने खोला था उसके तो मैंने उसको लॉग आउट भी नहीं किया था लेकिन फिर भी उसने जब पासवर्ड चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो गया एक आज जो खबर है कि बीसीसीआई की टीम ने आपसे पूछताछ की है क्या बात है आपसे बीसीसीआई की टीम जानना चाह रही थी आज अगर आपसे पूछताछ की है मुझे नहीं पता कि कोई बीसीसीआई की टीम आई होगी लेकिन लाल बाजार में मुझे बुलाया गया था मुझसे बात करी गई थी मेरे पापा भी आए थे तो पापा से भी बात की थी तो इस दौरान जैसे वो लोग बात करते हैं उन लोगों की जैसी टीम रहती है उसी हिसाब से मुझे बात मैंने बात करी लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बीसीसीआई का कोई मेंबर है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता आप सैटिस्फाइड है जिस तरह से प्रोब चल रहा है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आप खुश है सैटिस्फाइड है कि सीरियस भी हो रहा है जी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और आज मैं इतनी टेंशन और इतने दुख में इतनी तकलीफ में रह के भी मेरा फ्यूचर नहीं है कुछ मैं तीन बच्चों को लेकर बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूँ अपनी दुनिया में समी का बहुत बहुत बड़ा भरोसा था मेरी ज़िंदगी में वो मेरा बहुत बड़ा छत था जो समी ने मेरे सर के ऊपर से
हट के वो मुझे तो बिल्कुल बेसहारा कर दिया। आज इस बेसहारा होकर मैं बहुत डिप्रेस में थी, बहुत टेंशन में थी, हूँ भी कहीं ना कहीं, लेकिन लाल बाजार का इतना सपोर्ट में और इतनी अच्छी बिहेवियर में, उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन है, उनका क्या ड्यूटी है, उनका क्या काम है, ये वो जाने, लेकिन मेरे साथ बिहेवियर जो जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं उसके साथ मैं बहुत सेटिस्फेक्शन में हूँ और मेंटल सपोर्ट में हूँ। उतरी हूँ वो लड़ाई मेरा सच का लड़ाई है, मैं सताई हुई हूँ, मुझे सताया गया है, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं था, मैं आपसे सपोर्ट नहीं मांग रही मैडम, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी सच्चाई की लड़ाई में आप बस अपनी निगाह डाले रहें, आप मुझे मिले, मेरी बात सुने और इसे देखें और उसके बाद आप जज करें कि कैसे क्या करना है। तो सो प्लीज़ मैडम मुझसे मिलिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं अपना दर्द आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे। पहले भी आप बता चुकी हैं सबकी शक फिलहाल मोहम्मद भाई के ऊपर है, बीसीसीआई की भी नजर उसकी निगाह उनके ऊपर है, कोलकाता पुलिस की भी ऊपर है। कल मोहम्मद शमी ने रिपब्लिक टीवी पर आया था, उन्होंने कहा कि वो पहचानते उनको, आप जरा उसके डिटेल में जाइए, बताइए कौन है ये लोग। जैसे समी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मोहम्मद भाई के घर में मैं 8 दिन रह चुकी हूँ, मोहम्मद भाई के घर में मैं जा चुकी हूँ, तो मैं मोहम्मद भाई के घर में कभी भी नहीं गई हूँ। मोहम्मद भाई को मैं इंडिविजुअली जानती थी, वो ले आते थे और हमें डिनर पे लेके जाते थे, हमें पिक करते थे, हमें ड्रॉप करते थे, फ्री में खाना खिलाते थे, ऐसे ही था उनका, और समी को कुछ गिफ्ट वगैरह करते थे, ये सब करते थे। लेकिन हाँ जी, और उन्होंने कभी मुझे पिक भी नहीं किया, जब मैं इंग्लैंड गई थी तो उन्होंने मुझे पिक भी नहीं किया था लंदन में, इंडिविजुअली मतलब होटल से ही कार गई थी मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए और उसके बाद होटल में मुझे लेकर आई। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ इंडिया जब बैक कर रही थी तभी मोहम्मद भाई और मोहम्मद भाई की वाइफ मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट में आई थी, तो उसी दौरान मुझे पता चला कि वो लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, वो लोग बहुत नमाजी हैं, ये मुझे पता चला। अब अंदर झांक के तो मैं नहीं देख सकती ना कि इंसान कैसा है। शामी शारा, 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 इंडिया टीम में नाम क्या है आपको बताया? जी नहीं, बस मोहम्मद भाई जानते हैं। पैसे पैसे अलीबा से, अलीबा को उसने पैसा दिया था, ये इसमें जरा रोशनी डालिए, क्या मसला था वो, किस तरीके से उसका पैसा अलीबा के पास पहुंचा? ये मुझे भी नहीं पता ना, मैं अलीबा को जानती हूँ ना समी का, ये कोई सिस्टम जानती हूँ, क्या बात है नहीं बात है। समी से जब मैंने ये अलीबा के बारे में पूछताछ करी तो आप लोग भी जानते हैं, अभी तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एक बार वो कहता है मैं अलीबा को नहीं जानता, फिर एक बार कहता है कि मोहम्मद भाई ने अलीबा के थ्रू मुझे पैसे दिए, फिर मीडिया के सामने कहता है अलीबा को, अलीबा के क्वेश्चन में ही कोई जवाब नहीं करता आप लोगों को, फिर कहता है कि अलीबा को नहीं जानता हूँ, फिर 2 दिन से देख रही हूँ कि अलीबा मेरा फैन है, फिर ये कहता है कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिल भी सकता हूँ, फिर 2 दिन बाद कहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर 2 दिन बाद कहेगा वो मेरी बीवी है। तो सिर्फ अलीबा को क्यों सपोर्ट कर रहे हो मोहम्मद समी? ये मंजू की भी तो इज्जत लूटी है आपने, उसको बीवी नहीं बनाओगे? अच्छा शबनाज का क्या करोगे? हसीब भाई ने जो इतना सपना देख कर शबनाज के साथ आपको करा था, उस शबनाज का क्या करोगे? उससे भी निकाह करोगे क्या? अच्छा वो मावी का क्या होगा जिसके साथ बैंगलोर में आप रह रहे थे, रूम शेयर कर रहे थे, कभी उसके रूम में जा रहे थे, कभी इसके रूम में जा रहे थे, और उसका क्या करोगे जो हाउसवाइफ को आप मतलब सेक्स करने के लिए जो बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, जो अंकिता त्रिपाठी ने क्या नाम है उसका, अंकिता त्रिपाठी है शायद, उसके साथ जो मॉल में मिले, जारा शॉप में मिले, फिर अकेले मिले, फिर उसकी फीलिंग्स शेयर किए कि क्या करते क्या करते, किस किस से शादी करेंगे, किस किस से निकाह करेंगे, किस किस से फ्लैट करेंगे, अलीबा के तरफ तो बढ़ रहे हो, शबनाज के तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, मंजू के तरफ भी बढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत डिटेल में जाइए, जो आप पिछले आज पहली बार इतने सिर्फ अलीबा के अलावा बहुत सारे महिलाओं के नाम लिए हैं, मैंने फेसबुक में भी पोस्ट करा था कुछ लड़कियों का नाम अभी तो, अरे वो फोन और वो चैट वो सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया है, उस फोन फिर से वो फोन जब मेरे हाथ में आएगा पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगी, एक लड़की हो तो नाम बताऊं, दो लड़की हो तो नाम बताऊं, ये तो 100 के तादाद में है, सबके साथ गंदगी, वो कह रहा है कि मैं चैटिंग कर रही हूँ,
खाली कह देने से नहीं होता मिस्टर मोहम्मद समी, आप एक गांव के गवार आदमी हैं, इतने भी चालाक नहीं है कि इतना दिमाग आपका शार्प नहीं है कि आप अपने झूठ से, अपनी चापलूसी से, अपनी पॉलिसिंग से सच्चाई को बदल दोगे। जब कोलकाता के लाल बाजार के पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सारा चीज को वेरीफाई करके जब वो जज कर देगा कि कौन सा क्या सच था क्या झूठ था, तब ये मुँह कहाँ दिखाएंगे आप? फिर कैसे आप ये झूठ के ऊपर पर्दा टानेंगे? या फिर अभी तक ये सोच रहे हैं कि कौन बचा लेगा? बीसीसीआई का चादर ढक के आपका मुंह बच जाएगा या बड़े बड़े प्लेयर्स के चादर ढक के आपका मुंह बच जाएगा? बहुत गंदी हरकत करी है, गंदी तरीके से फंसे हो, ठीक है? क्या बीसीसीआई शमी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो कभी नहीं लगता कि बीसीसीआई उसे बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीसीसीआई एक ऐसे लेवल में है जो वो एक इंटरनेशनल लेवल में है, और वो अगर उन्हें बचाने की कोशिश होता तो उसका जो वो क्या था जो रोक दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को वो रोक नहीं देते। तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई कभी भी समी को किसी भी गलत चीज के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसकी थिंकिंग है कि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं फास्ट मतलब एक नंबर बॉलर हूँ, तो शायद मेरी कमी इन लोगों को है, तो शायद इस चादर को मैं ढक के मैं अपनी सारी गलतियों को छुपा लूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। समी ने कल कहा था कि आपने जो रेप का चार्जेस लगाया है उस दिन 7 तारीख को वो अपने बड़े भाई के साथ बाजार करने निकला था, और आपको आपका पहले फोन आया, उसको फोन करके आपने कहा कि मुझे अकेला महसूस घबराहट हो रही है, तो समी ने कहा कि मैं भाई साहब के घर जा रहा हूँ, तो वो आपके आप उनके घर भाई साहब के घर पहुँच के ही साथ में खाना खा के आप लोग फिर निकले हैं, ठीक है? मुझे इतनी कहानी बोलने की जरूरत नहीं है, समी तो अभी बहुत कुछ बोलेंगे, उसके पास कोई रास्ता झूठ के अलावा, फ्रॉड के अलावा, धोखेबाजी दगाबाजी के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले मैंने जो लाल बाजार थाना में लाल बाजार में जो मैंने FIR जमा किया है, ऑब्वियसली आप सबके पास कॉपी होगी, कहीं भी मैंने वहां पे लिखा है कि 7 तारीख को मुझ पे अटेम्प्ट टू रेप हुआ है? मैंने कहा 3 तारीख को मैं यहां से कोलकाता से निकली, मैं दिल्ली में रही, 7 तारीख को वहां से निकली, 7 तारीख को 2-3 बजे के बीच पहुंची, वहां हसीब आया, समी को लेके चला गया, सारी हिस्टोरिकल बात मैंने बता दी, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ सब रिकॉर्ड है, सारी बातें पकड़ के क्वेश्चन कर रहा है कि 7 तारीख को ही आपने बोला कुछ नहीं। वो एक इंडिविजुअली एक मीडिया को पैक करके दोनों मिलके वो झूठ बोल के बातों में पॉलिश मार के आप सबको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया की पब्लिक इतनी भी बेवकूफ है जो यूपी का एक गंवार आदमी हो सकता है, वो फर्स्ट बॉलर नंबर 1 बॉलर हो सकता है, लेकिन ना पेट में एडुकेशन है ना दिमाग में एडुकेशन है, वो झूठ से जंग नहीं जीत सकता। मेहनत से जंग जीत रहा है, टीम को जिता रहा है, वो दूसरी बात है, लेकिन झूठ से जंग नहीं जीता जाता, झूठ से अपनी गंदगी नहीं छुपाई जाती। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बार बार शमी कह रहा है कि आपने आपका पिछला शादी नगर है, और मैं जहाँ पहले रहती थी वो 2x25 पोद्दार नगर है। इस घर के जो मालिक थे सौपुंदा थे, 2012 से लेकर कंटिन्यू मैं वहाँ पे रही हूँ। आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि समी से मेरा जब कोई मतलब ऐसे प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं थी, वो जब ज़बरदस्ती हमारी ज़िंदगी में घुसा, हमारे फ्लैट में आता, मैं शूटिंग में अपनी नौकरी में मैं बिजी रहती थी, मैं बाहर रहती थी, फिर भी मेरी बच्चियों के साथ आके रहना, खाना पीना खेलना, 6 महीना उसने मेरे खर्चे पे खाया है और रहा है, पड़ा हुआ रहता था मेरे घर पे, मेरे बच्चों से खेलता था, मुझे इरिटेट फील होता था, लेकिन बेचारा बन के रहता था, दुबला पतला सा, बिल्कुल डार्क सर्कल आंखों में बना हुआ, हमेशा रोते रहता था, बहुत दुखी अपने आप को बताता था, तो ऐसे मेरे घर में पड़ा हुआ रहता था, और 2 बच्ची मेरी खुशी मेरी हंसी ये 2 बच्चियाँ थी, और एक जूली नाम की एक लड़की थी जो हमारे जो शिवरी जहाँ में मेरा घर है वहीं से वो बिलोंग करती है।
ये तीन बच्चियां मेरे साथ यहाँ पे रहती थी, तो छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, ये सब जानते हैं। जहाँ पे मैं नौकरी करती थी उस कलीग भी जानते हैं, उस जहाँ पे मैं नौकरी करती थी वहाँ पे समी गए थे, वहाँ पे जो एमडी थे, एमडी ने समी से खुद कहा था कि समी सिर्फ हसीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे ऊपर खुशी और हसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समी ने ये कहा था कि हाँ मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। फिर और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा जो एक्स हस्बैंड है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलता था, तो हमेशा मुझे जब केस के डेट आते थे तो मुझे सीढ़ी जानी पड़ती थी, तो समी खुद गाड़ी चला के वहाँ मुझे लेके गया है। 2013 में जब हमारा डेट हुआ था केस का, वो जो मेंटेनेंस के केस का डेट वेट आते हैं तो मुझे जाना होता था, तो समी खुद गए थे हमारे सीढ़ी में, बिक्विस्टिन होटल में रुके थे। और मैं शादी के बाद अपने माँ बाप के घर में, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए सिवरी में भी मैंने एक रेंट घर लिया हुआ था, वो लालकुटी पारा है उसका नाम है। वो लालकुटी पारा में मैं दो बच्चियों को लेकर पहले वहाँ पे रहती थी, फिर बाद में मैं यहाँ आई, तो वो रेंट वाला जो मेरा घर था लालकुटी पारा का, वहाँ मैं पहले समी गया, फिर मतलब रात को बिक्विस्टिन होटल में स्टे किया, सुबह मेरी मम्मी के घर गया, लंच किया, मैंने अपने कोर्ट के काम को ख़त्म किया, फिर हम दोनों साथ आए। तो कहाँ से ये पॉसिबल है कि समी को ये बात पता नहीं थी? आपके सवाल के फिलहाल यहाँ पर दो मुद्दे चल रहे हैं, एक बीसीसीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दूसरी तरफ से कोलकाता पुलिस। क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे कि फिलहाल अभी के अभी मोहम्मद भाई को उसको ढूंढा जाए, उसको इस बारे में पूछताछ की जाए? ये है, ये मैं कैसे कह सकती हूँ, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे चलाएगी, क्या करेगी? मेरे जो कंप्लेंट थे वो मैंने सामने रख दिया, अभी पुलिस समझे। हसीन ये बताइए, दूसरे जो प्लेयर्स है उनके जो वाइफ्स है, क्या उनसे सपोर्ट मिल रहा है, उनसे बात हुई है? नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है उन लोगों से, ना ही उन लोगों ने, बाकी उन लोगों ने ना ही कोई मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करी। जो बात नहीं है वो बात नहीं कहूंगी। আমি কাউকে দেখিনি, মানে সমী কে আলাদা মোহাম্মদ ভাই কে সাথ কিসি ভি প্লেয়ার কো নাহি দেখা। আপনি যে দুদিন আগে বলেছিলেন যে উনি কি গিফট দেয় এবং ফ্রিতে খাওয়ায় অনেক প্লেয়ার আছে, এটা তো আপনি দুদিন আগে বলেছিলেন। সেটা সমী আমাকে বলেছিল যে সবাই জানে চেনে, সেই হিসাবে বলেছিলাম, কিন্তু আমি নিজের চোখে তো দেখিনি। আপনার সঙ্গে কি বিসিসিআই এর তরফে যোগাযোগ করা হয়েছে? না, আপাতত আমার লয়ারের সাথে ওনারা যোগাযোগ করেছেন, বাট আমার সাথে কোনো যোগাযোগ হয়নি। সেটা আমি বারবার বলেছিলাম, আমাদের যিনি ম্যারেজ রেজিস্টার ছিলেন ওনাকেও আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমি বারবার বলেছিলাম আমি ডিভোর্সি, তো ডিভোর্সিতেই দাও, কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্টার নিজে বলেছিল যে এখন আমরা ডিভোর্স হয়ে গেলে পরে ওই ডিভোর্সিটাকে হাইলাইট করি না, ওই সেকেন্ড বিয়েতে ব্যাচিলার হিসাবে আমরা দেখাই। তবু আমি বলেছিলাম যে না, আমারটা ডিভোর্সই করবে, কিন্তু সমী আমাকে বললো যে দেখো হাসিন, হমে তো বাহার ভি জানে হোঙ্গে, ফির হমনে আপনি ফ্যামিলি কো নেই বাতায়া হ্যায় কি তুম শাদিশুদা হো, তুমহারি বচ্চিয়ে হ্যায়, তো ইস হিসাব সে মুঝে প্রবলেম নেই, তো তুমে কিউ প্রবলেম হো রহি হ্যায়, তো ইসে ব্যাচিলার হি রহনে দো, তো রহনে দো। দুনিয়া কো পতা হ্যায় কি সমী কো পতা হ্যায় কি মে দো বচ্চো কি মা হু, মে শাদিশুদা হু, ফির ভি উসনে মুঝসে শাদি করি, সমী কো সব পতা হ্যায়, ইয়ে ঝুঠ বোলনে সে কুছ নেই হোগা, গওয়াহ ঝুঠ বোলনে সে নেই মানতা। नहीं, वो अपने माँ बाप को नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ये जो सामने वाला जो बिल्डिंग है वहाँ पे संगीता नाम की एक केयर टेकर रहती थी, तो मेरी शादी से पहले जब मैं यहाँ पे रहती थी तो मेरी ननद, मेरे सास ससुर ये लोग सब आए थे, तो संगीता ने बता दिया था कि ये शादीशुदा है ऑलरेडी और उसके दो बच्चे भी हैं। मैम एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आप एक फेसबुक पे आपने जो सारी बातें कही हैं और दूसरी ओर फिजिकल असॉल्ट की और जो मारपीट की बात आपने कही, डोमेस्टिक वायलेंस की बातें कही हैं, क्या आपकी शादी कभी भी शादी के रूप में हुई नहीं, कभी मोहब्बत हुई नहीं, कभी लव मैरिज आपकी हुई नहीं, हमेशा से आप परेशान थी, या आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा मोड़ आया जब ये परेशानियां आपकी शुरू हुई, जहां से आपका ये नहीं, समी शुरू से बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, और बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, इसी वजह से मैं शादी से पहले ही आके इस फ्लैट में रहना शुरू कर दी। मुझे मेरी शादी से पहले से ही मेरे सास ससुर मुझे बहू मानते थे, जब हमारे एक जो पर्व होते हैं जहाँ पे ईद बकरीद जो कहा जाता है, तो मेरी शादी से पहले ही बकरीद में मेरे नाम
पे कुर्बानी देना उन लोगों के घर पे, वो लोग बिल्कुल जैसे बहुत अच्छा सपोर्टेड एक हस्बैंड और एक ससुराल होता है उस तरह का उन लोगों ने बिहेव करा। मेरे सास ससुर ने खुद आके मुझे उस पोद्दार नगर से यहाँ पे लाके शिफ्ट करवाया, सब कुछ करवाया। लेकिन उसके बाद सब कुछ, शादी हुई सब हुआ, लेकिन शादी के बाद से ही धीरे धीरे कभी मुंबई की अलीशा के साथ इसकी चैटिंग पकड़ी गई, कभी दुबई की उज़्मा खानम के साथ पकड़ी गई, कभी बेंगलोर के जीसा नारायण से पकड़ी गई। तो ये लेकर थोड़ा सा हम लोगों में नाराज़गी गुस्से होते थे, फिर सब कुछ ठीक ठाक चलता था। लेकिन समी कभी भी मुझे मतलब तो प्यार का जगह था, यकीन की जगह ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मियाँ बीवी थे, घर संसार बन चुका था, तो इसी सूरत तो ज़िंदगी चली रही थी। उसके बाद फिर मैं उसे देखते गई, वो मतलब कभी भी जो एक हस्बैंड को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मेरा घर, मेरा बीवी, मेरा संसार, मेरा बच्चा, वो कभी करा भी नहीं और मैंने उसे कहा भी नहीं। मैं तो खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी और मैं वो मैच में बिजी रहते थे, तो इसी वजह से मैं उसे उतना कुछ कहती भी नहीं थी। कार से गाड़ी का मेंटेनेंस, सारा कुछ, घर द्वार, घर संसार, देखिए एक फैमिली में चार आदमी हो फिर भी जितने चीज़ की ज़रूरतें पड़ती हैं वो पड़ती हैं। अगर कोई संसार में अगर एक आदमी हो फिर भी सारी चीज़ की ज़रूरतें पड़ती हैं। पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में जहां एकदम जो है आपके साथ बनना बंद हो गया? ये 2 साल से इसने बहुत गंदगी शुरू कर दी, हद से ज़्यादा। और मुझे खूब याद है कि पहले तो हमारी शादी से पहले से लेकर शादी तक ये जो इसका बड़ा भाई है हसीब, ये आप लोगों को सबको पता है कि ये क्रिमिनल है, इसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस लगे हुए हैं। तो ये इसे समी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते, इसके फ़ोन तक उठाना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपने बिल्कुल फैमिली से डिटच था। अपनी उसकी बहन जो है, समी की बहन, बड़ी बहन थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, वैसे ही पड़ी हुई थी, सब बिछड़ा हुआ फैमिली था इन लोगों का। तो मैं जब इन लोगों की फैमिली में घुसी तो मैंने सबके साथ सबका रिश्ते को सही करा। ये हसीब के साथ मैंने इसका रिश्ता सही करा, सबके साथ मैंने इसका रिश्ता सही करा, इसकी बहन की शादी मैंने करवाई। मैंने ये साफ साफ कह चुका था कि जिसने पैदा करा है वो शादी करवाएगा, मैं नहीं करवाऊंगी, मैं नहीं करवाऊंगा। लेकिन मैंने कभी किसी चीज के लिए नहीं मना किया, वो पूरे गांव के लोग जानते हैं। और मैं नाम ले लेके कह रही हूँ, समी की फूफी चंदा फूफी अम्मी, जकिया फूफी अम्मी और इन दोनों के हस्बैंड जितने खालू अब्बा हैं, तहजीब चाचा, संजीदा चाची, इन सबसे और खानदान वाले जो समी के खानदान वाले, इन सबसे इंडिविजुअली पूछना इंसानियत के नाते कि समी ने जो जो आरोप लगाए मुझ पे कि मैंने उसकी बहन की शादी मैंने खुद करवाई, रिश्ते मैंने दिखवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली अब मम्मी से कि मम्मी मैं देखती हूँ कैसे नहीं समी पैसे देते हैं, आप रिश्ता लगाओ, पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी। वहाँ के गांव वाले से पूछिए, जो आस पड़ोस के रिश्तेदार हैं उन लोगों से पूछिए, मैंने एक बहू होने का कोई भी ऐसा फर्ज नहीं है जो ना निभाया हो। वहाँ में समी तो घर भी नहीं बना रहे थे, घर भी मैंने बनवाया है ज़बरदस्ती। समी के पापा जब ऑटो में या रिक्शा में धक्के खा रहे थे तब भी मैंने समी से कहा कि समी देखो हम लोग तो यहाँ कोलकाता में 2-3 गाड़ी में रहते हैं, पापा वहाँ ऑटो में धक्के खा रहे हैं तो पापा को एक गाड़ी खरीद के दो। तो समी ने हसीब को फ़ोन लगाया तो हसीब ने बोला अरे नहीं यार, वो से तुम गाड़ी दोगे वो अपने मामा को या अपने मतलब ससुराल वाले को देंगे, तो गाड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने नहीं दिया। मम्मी पापा का आंखों में ऑपरेशन होना था, हसीब भी बड़ा बेटा है, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाई, क्राइम करा, गंदगी करा, बदनाम करा, आज पापा को कब्र तक पहुँचा दिया उस हसीब।